नमस्कार दोस्तों, आरके लिटरेसी यूट्यूब चैनल पर और एक नए वीडियो के साथ आपको दिल से स्वागत करते हैं। ये देखिए दोस्तों, एक घर का हम कटाई कर चुके हैं। इसमें बोर्ड वगैरह भी लगा रहे हैं, जिसको कि दोस्तों हम दिखा रहे हैं। इसमें देखिए, ये सीलिंग में पहले डाला हुआ है छत के टाइम, चार सीलिंग लाइट के लिए और एक फैन के लिए। और इसके नीचे दोस्तों ये हो गया मेन बोर्ड, और ये एंट्रेंस की जगह एक लाइट के लिए दिया हुआ है। नीचे जो बोर्ड है इसमें ईवी वगैरह चार्जिंग के लिए पॉइंट छोड़े हैं। और ये देखिए लाइट और जंक्शन पॉइंट है, जिसके नीचे ईवी के लिए पॉइंट डाला हुआ है और एक पाइप दो मॉड्यूलर बोर्ड के साथ सेपरेट छोड़ा हुआ है टीवी के लिए। और ये देखिए, इसका जो मेन बोर्ड यहाँ पे दिया हुआ है 12 मॉड्यूलर का, इसमें सब स्विच सॉकेट इसी रूम का रहेगा। ऊपर में चार सीलिंग लाइट और एक फैन के लिए दिया हुआ है, ये देखिए। और ये आ गया दोस्तों इनका डाइनिंग हॉल, जिसमें चारों ओर लाइट पॉइंट है दीवार में, और सीलिंग में भी छह लाइट पॉइंट, दो फैन पॉइंट और एक झूला के लिए दिया हुआ है। ये देखिए जंक्शन बॉक्स, और इसके नीचे एमसीयू बॉक्स रहेगा जो कि 12 वे का है, 12 MCB जिसमें आएगा। और ये इसका मेन बोर्ड यहाँ पे रहेगा। ये देखिए दोस्तों, किचन आ गया हमारा, जो कि ऊपर में एग्जॉस्ट फैन के लिए पॉइंट छोड़ा हुआ है, और नीचे पॉइंट में हमारा ग्राइंडर रहेगा। ये इधर चिमनी पॉइंट, चिमनी पॉइंट के नीचे ये हो गया हमारा इंडक्शन कुकर का पॉइंट छोड़े हैं। सीलिंग में देखिए दोस्तों, ये लाइट पॉइंट छोड़े हैं जो कि सीलिंग लाइट लगेगा। और ये इसका एक लाइट पॉइंट छोड़ के नीचे इसका मेन बोर्ड दिया है, जिसमें और एक सॉकेट रहेगा, और इसी पे ही फ्रिज भी आ जाएगा इनका। और ये देखिए दोस्तों, पूजा रूम आ गया, जिसमें दीवार पे एक लाइट पॉइंट दिया हुआ है और सीलिंग पे भी एक दिया है। ये इसका 6 मॉड्यूलर का बोर्ड डाले हैं, जिसमें स्विच सॉकेट रहेगा, और नीचे एक सॉकेट दिए हैं डेकोरेटिव लाइट के लिए। ये आ गया बेडरूम वन, सामने देख पा रहे हैं दोस्तों ये एसी का पॉइंट है। नीचे 8 मॉड्यूलर का बोर्ड है, जिसमें बेड स्विच सब रहेगा, और उसी में ही एसी का भी कंट्रोल रहेगा। ये मेन बोर्ड आ गया, जिसके नीचे 4 मॉड्यूलर का फुट लाइट भी आएगा। और ये आ गया बाथरूम दोस्तों, बाथरूम में कुछ नहीं, एक लाइट और एग्जॉस्ट फैन और एक गीजर का पॉइंट रहता है। ये साइड में है, इसके साइड में बेडरूम टू, इसके सामने ये एसी पॉइंट है, नीचे देखिए बेड पॉइंट है, ये लाइट के लिए छोड़ा हुआ है। ऊपर में 4 सीलिंग लाइट और एक फैन का दिया है। ये जंक्शन से होके 12 मॉड्यूलर तक आ गया, 12 मॉड्यूलर से नीचे फुट लाइट। ये बेडरूम 3 का है, देखिए ये यहाँ पर लाइट के लिए डाले हैं, और ये एसी के लिए विंडो के ऊपर। और ये आ गया इनका बाथरूम, बाथरूम के लिए ये बोर्ड दिया हुआ है, और ये मेन बोर्ड जिसके नीचे फुट लाइट आएगा। इसमें दोस्तों 4 सीलिंग लाइट, एक फैन डले हुए हैं। ये देखिए दोस्तों, एक पाइप यहाँ पे टूट गया है, जिसको हम चेंज करेंगे। अगर चेंज नहीं किए तो बाद में बहुत परेशानी होगा। ये हमारा लड़के लोग इसको तोड़ रहे हैं, जिसमें कि मेन लाइन आएगा। इसमें हम 4 पाइप डालेंगे, जो कि फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर के लिए मेन लाइन इसी पे ही जाएगा। और इसको दोस्तों हम सामने से भी तोड़ सकते थे, पर जो कंक्रीट है इसको नुकसान आएगा, इसलिए पीछे से ले रहे हैं। ये देखिए सीढ़ी के लिए लाइट यहाँ पे रहेगा स्विच बोर्ड, और सीढ़ी के नीचे हम डाले हैं देखिए मेन लाइन आएगा, मेन स्विच, इन्वर्टर, मोटर, और इसमें एक MCB आएगा, एक लाइट के एक पॉइंट भी डाले हैं। ये मेन लाइन आ गया दोस्तों इनकमिंग। प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करिए। फिर मिलेंगे और एक नए वीडियो के साथ। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।